Hello and welcome to Tech Assistant for Blind. If you are a new viewer and you want to be tech expert, so please keep watching this video and subscribe our channel for latest technology tutorials, because all kinds of technology related solutions are available on this channel. गए हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज हम सीखेंगे टेक्स्ट को इमेज में किस तरह से कन्वर्ट करना है, और काफ़ी इजी वे से आप टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर, इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने आज आपको बताया है। तो जो लोग इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते वीडियो में आगे बने रहे। चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। हमारे सेकंड चैनल यानी कि स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड को हमारे इस चैनल के होम पेज से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब तक आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े तो ग्रुप में जुड़ने के लिए अबाउट पेज में जाइए, व्हाट्सअप टेलीग्राम का ऑप्शन है वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम ट्विटर पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, सारे सोशल मीडिया हैंडल अबाउट पेज में दिए हुए हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त जीतूराज, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। चलते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू इमेज इस एप्लीकेशन में और देख लेते हैं किस तरह से टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू इमेज में चलते हैं। यहाँ पर जब हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं हमारा एडिट बॉक्स पर ही कर्सर रहता है, तो यहाँ पर हमें सिंपली कुछ टाइप करना है या फिर हम कुछ पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं टाइप करूंगा तो मैंने एडिट बॉक्स में टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड लिख लिया। देखिए अब यहाँ पर इमेज बटन लेफ्ट यानी कि लेफ्ट का बटन जब आप टैप करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज में लेफ्ट साइड में आएगा। इमेज बटन सेंटर यानी कि आपका जो इमेज में जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आएगा। इमेज बटन राइट यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो राइट में आएगा। यहाँ पे आप इस टेक्स्ट के आगे अंडरलाइन दे सकते हो। टेक्स्ट की जो साइज है वो इंक्रीज कर सकते हो। इमेज बटन डिक्रीज यानी कि टेक्स्ट की साइज छोटी कर सकते हो। कलर दे सकते हो। फॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल कोई फॉन्ट यहाँ पर इंग्लिश का अवेलेबल है और उसके बाद और कोई एक्स्ट्रा फॉन्ट है नहीं, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट सिलेक्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे एक प्रीव्यू है, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में एक मोर ऑप्शन भी है, ठीक है। तो मोर ऑप्शन में कुछ ऑप्शंस में दिखा देता हूँ आपको। पहला सेव पाथ यानी कि ये कहाँ पर आपकी इमेज सेव होगी ये आपको बताएगा। एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हो और डेवलपर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बैक करेंगे और यहाँ पर आगे आपको सेव का बटन मिलेगा, तो हम लोग सेव पे सिंपली क्लिक कर देंगे। सेव सक्सेसफुली। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे आपकी जो इमेज है वो रेडी है। अब हम लोग चलेंगे फाइल मैनेजर में और देख लेते हैं आपकी इमेज रेडी हुई है या नहीं। स्पेस स्पेस बैक बटन क्लिक होम 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 फाइल्स होम इंटरनल स्टोरेज Navigate up button internal storage. फाइल मैनेजर में आ गए हम लोग। अब यहाँ पर हमें पिक्चर वाला फोल्डर मिलेगा। Internal showing in more internal selected CT selected pictures out of list. ठीक है, पिक्चर वाले फोल्डर में हम लोग आ गए। अब पिक्चर वाले फोल्डर में हमें एक और फोल्डर मिलेगा। CTTI 7 minutes ago one of two in list two items. CTTI वाला फोल्डर इसमें चलेंगे। M_16 selected CTTI out of list. CTTI में M_160 show file M_160935607574.png 13.19 KB from just now. ठीक है, ये आपकी इमेज है 13 KB की। तो हम लोग अब इसे इमेज को ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। M_160 तो ये देखिए आपकी इमेज ओपन हो गई है। अब हम लोग जो इसे रीड करके भी देख लेते हैं। Back but internal storage M_160 show file pop up share select one share delete three open with open one selected Android Kaibo picture edit Kaibo column one Kaibo में ओपन कर लेते हैं। alert extracting text on top text extracting screen recorder on bottom reader back button tech assistant for blind. ये देखिए हमारा जो काइबो ने टेक्स्ट स्कैन करके दिया ये टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड।
ठीक है, तो इस तरह से जो है आप किसी भी इमेज टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। काफी आसान है, हम लोगों ने टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट किया, फिर इमेज को टेक्स्ट में भी आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो इस तरह से किसी कितना भी बड़ा टेक्स्ट हो आप इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो काफी अच्छे से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करें सभी के साथ, लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करें, और हाँ हमारे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करें, स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड, वहाँ पर भी आपको यूनिक वीडियो देखने के लिए मिलेगी। मैं मिलता हूँ किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।